अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सब मज़े में हैं? व्यूअर्स, एक अंग्रेज़ी का मशहूर प्रोवर्ब है, वो यू आर व्हाट यू ईट, आप वही हैं जो आप खाते हैं। आज के दौर में हमें बेशुमार बीमारियों ने आ लिया है और इसकी दो मेन वजहें, एक वजह है स्ट्रेस और दूसरी वजह है हमारी खुराक। स्ट्रेस को तो हम दूर कर सकते हैं अपना थिंकिंग को डाइवर्ट करके, हमारी सोच को डाइवर्ट करके कुछ रिलैक्सिंग चीज़ों की तरफ, और जो खुराक है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज के दौर में हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड की तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि प्रोसेस फूड बहुत ही अनहेल्दी फूड है और उसको हमारे इस्तेमाल में कम से कम रहना चाहिए। तो इसी वजह से हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और अच्छे फूड बनाने होंगे, अच्छे खाने गज़ायत से भरपूर बना के अपने घरों में खुद इस्तेमाल करने होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लाया हूँ स्ट्रॉबेरी जैम की। आजकल कराची के अंदर भरपूर स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं और उन स्ट्रॉबेरी का हम जैम बनाते हैं, जिसको हम पूरे साल स्टोर करते हैं और पूरे साल इसको हम मज़े लेकर इस्तेमाल करते हैं। आप भी इसको बनाएं और रोज़ सुबह नाश्ते में एक टेबलस्पून खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। इट्स अ वेरी न्यूट्रिशनल फ्रूट और आपको इसके बड़े बेनिफिट्स पहुंचेंगे। तो व्यूअर्स, इसके लिए मैं लाया हूं यहां पर 1 kg स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी मैंने ली है 1 kg। इन फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को हमें काटना है और इसका काटने का तरीका यह है कि इसके ऊपर जो लीव्स हैं, ये लीव्स को अब सबसे पहले हमें हटाना है। ये लीव्स को हम हटा देंगे और ये हल्की सी इसकी जो टिप है उसको सिर्फ आप काट देंगे। बस इस तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करनी है और इसको आप यहाँ जमा करते जाएं। व्यूअर्स, ये हमने सारी स्ट्रॉबेरीज को तैयार कर लिया है, प्रिपेयर कर लिया है, इनके लीव्स हटा दिए हैं और इनको ऊपर से टिप्स इनकी हल्की सी हमने काट दी हैं। अब हम इसको फूड प्रोसेसर में डाल के इनका पल्प बनाएंगे स्ट्रॉबेरीज का। ये 1 kg स्ट्रॉबेरीज हमने ली थी, थोड़ी बहुत कम हुई होंगी ये इनकी ट्रिमिंग के बाद। ये स्ट्रॉबेरी ज़्यादा है तो उनको दो हिस्सों में हम करेंगे। ये देखें, इसका पल्प तैयार हो गया। ये पल्प को हम हमारे जिसमें हम कुकिंग करेंगे डायरेक्ट उसी पैन में हम इसको डाल देते हैं। ये नॉन स्टिक पैन है, आप भी कोई भी नॉन स्टिक पैन लीजिएगा। ये हमारा सेकंड वाला भी बैच हो गया है, फाइनल बैच, इसको अभी हम इसी में पोर कर लेते हैं। ये हमने सारा इसके अंदर पोर कर लिया है, हमने यहाँ पर चूल्हा जला लिया है। अब इसको हमने चूल्हे पर रख दिया है, अब इसके अंदर हम एक बॉयल लाएंगे और बॉयल लाने के बाद इसको हम मज़ीद 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसकी अपनी शुगर्स जो हैं उसका मिठास इसके अंदर शामिल हो। बहुत से लोग डायरेक्ट इसमें चीनी डाल देते हैं शुरू में ही, तो उससे फिर इसकी शुगर जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसकी अपना मिठास जो है वो उतना ज़्यादा काम नहीं करता। तो हम इसमें लेटर ऑन शुगर डालेंगे और पहले इसको पकाएंगे, इसके पल्प को, और फिर इसमें शुगर डालेंगे ताकि हमारी चीनी जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो। इसके अंदर आप रिफाइंड जो वाइट शुगर होती है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे ब्राउन शुगर, क्योंकि ब्राउन शुगर इज़ मोर हेल्दियर वर्जन देन वाइट शुगर। आप वाइट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर उसका कलर ज़रा ब्राइट आएगा, ब्राउन शुगर में थोड़ा डल कलर आता है, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राउन शुगर इज़ मोर बेनिफिशियल देन वाइट शुगर। ये जैसे इसके अंदर बॉयल शुरू होगा तो ये थोड़ा सा साइडों में लगना भी शुरू होगा, तो आपने इसके स्पैचुला की मदद से इसको हटाते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है ताकि ये कहीं लगे ना। वैसे तो नॉन स्टिंग पैन है तो इतना ज़्यादा इसमें इम्कान नहीं है लगने के, लेकिन फिर भी आपने एहतियात रखना है। देखें, इसको हमने 5 मिनट तक पकाया है, इसके अंदर अच्छा खासा उबाल भी आ गया है, काफ़ी ऊपर तक आ गया है। अब इसके अंदर हम चीनी इस्तेमाल करेंगे, टोटल 300 ग्राम चीनी इसके अंदर इस्तेमाल होगी और इसके लिए हम स्टेप्स के अंदर चीनी डालेंगे। तकरीबन टोटल 2 3/4 कप इस्तेमाल होगा, तो हम 1 कप पहले डालेंगे, फिर थोड़ा पकाएंगे, फिर 1 कप डालेंगे, फिर थोड़ा पकाएंगे और फिर 3/4 कप डालेंगे। तो अब ये पहला जो है हम इसके अंदर 1 कप डाल रहे हैं ब्राउन शुगर का। जैसे मैंने आपसे कहा वाइट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर जैसे ही हमने 1 कप चीनी का डाला है, अब इसको हम 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे और 5 मिनट पकाने के बाद फिर दूसरा 1 कप इसके अंदर ऐड करेंगे। आप मिठास को चेक करते हुए, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी ज़्यादा भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर 2.5 कप इस्तेमाल करेंगे या 3/4 कप इस्तेमाल करेंगे। ये साइडों से इस तरह लगेगा, इसकी आप फिक्र नहीं कीजिएगा, ये बाद में भी लगा होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके स्क्रैप करना पड़ेगा, बस बॉटम पर नहीं लगना चाहिए, बॉटम का आप ख्याल रखिएगा। अब ये 5 मिनट मज़ीद इसके अंदर हो गए हैं, अब इसके अंदर हम 2nd कप ब्राउन शुगर का डाल लें, ये दूसरा कप है ब्राउन शुगर का। क्योंकि ब्राउन शुगर का एक बड़ा मुनफरद जायका होता है और वो लोगों को एक जायका
ज़बान पर चढ़ जाता है तो फिर वाइट शुगर वो पसंद भी नहीं करते। दूसरा कप डालने के बाद भी हमने 5 मिनट पकाना था, जिसमें से 3 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट मज़ीद और पकाना है हमें। इसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन आधे से पौना कप मज़ीद शामिल करेंगे, क्योंकि हम रेगुलरली बनाते रहते हैं तो हमें कप के मेजरमेंट्स का आइडिया है कितना इसमें शुगर डलेगा, तो उसी हिसाब से अगर आप डालेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट मीठा इसके अंदर बनेगा ब्राउन शुगर के साथ। वाइट शुगर के साथ थोड़ा सा आपको टेस्ट करना पड़ेगा इसको 2 कप डालने के बाद, तो फिर आप इसको मिठास चेक कीजिएगा। अगर आपके लिए सही है तो फिर मज़ीद मत डालिएगा, और ज़रूरत पड़े तो फिर आप वो भी तकरीबन 2.5 से 3 कप डाल लीजिएगा। देखिए मज़ीद 5 मिनट हो गए हैं इसको, अब इसके अंदर हम हमारा जो आधा कप जो था वो मज़ीद डाल रहे हैं इसके अंदर। और इसको हम फाइनली पकाएंगे, और जब तक इसके ऊपर से इसका झाग जो है वो ख़त्म हो जाएगा तब तक इसको पकाएंगे, और फिर इसकी थिकनेस चेक करेंगे। अपने हिसाब से आप थिकनेस एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसको आप ज़्यादा पकाएंगे तो ये थिक हो जाएगा, और कम पकाएंगे तो ये थोड़ा रनी होगा। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसकी थिकनेस को। लेकिन नॉर्मली जैम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं होते और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होते, तो हम इसको बीच पे रखेंगे। 4 मिनट के लिए और मज़ीद पकाया इसको हमने। इसके ऊपर जो झाग नज़र आ रही है वो झाग आहिस्ता आहिस्ता कम होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो इसका मतलब आपका ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया। ये एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि इसको हिलाते रहना है, आपने इसको हिलाना नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने हिलाना छोड़ दिया तो नीचे से लग जाएगा, और नीचे से लग गया तो फिर सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। लास्ट चीनी डालने के बाद 10 मिनट हो गए हैं इसको मज़ीद पकाते हुए। अभी भी हम इसको पका रहे हैं ताकि इसके ऊपर से जो झाग कभी भी हल्की हल्की रह गई है वो बिल्कुल ही आपको नज़र नहीं आएगी, ख़त्म हो जाएगी। देखिए अब इसके अंदर झाग बिल्कुल कम हो गया है और ये काफ़ी रिड्यूस भी हो गया है। अब इसके अंदर हम आधे नींबू का रस डाल रहे हैं। इसके अंदर आधा नींबू का रस हमने निकाल लिया था, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं यहाँ पर, और उसको मज़ीद थोड़ा सा हम नींबू डालने के बाद पकाएंगे। नींबू जो है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब समझ लीजिए, आधा नींबू जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब था। ये लाइम है, लेमन नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा। आपने लाइम इस्तेमाल करना है, लेमन इस्तेमाल नहीं करना। ऑलमोस्ट तैयार हो गया है टोटल। इसके अंदर आधा घंटा कुकिंग टाइम टोटल इसका है, शुरू से लेके अभी तक का। इसके अंदर शुरू में 5-5 मिनट के इंटरवल्स में हमने 2 कप चीनी के डाले थे, और अब फाइनल कप डालने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको मज़ीद हमने पकाया है, और ये बिल्कुल अब तैयार हो गया है। नींबू का रस भी डाल दिया इसके अंदर हमने, देखें इसका झाग भी ख़त्म हो गया और ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम मज़ीद थोड़ा सा इसलिए पका रहे हैं कि थोड़ा थिक हो जाए, और जैसे ही थोड़ा ये थिक होगा तो हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी जमेगा, तो आपने बिल्कुल ही सख्त करके इसको नहीं निकालना है, वरना बहुत टफ हो जाएगा। थोड़ा सा इसको रनिंग ही रखना है। देखें इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शाइन आपको नज़र आएगी, ये शाइन शो करती है कि हमारा जैम जो है वो तैयार हो गया है। जैम की कंसिस्टेंसी चेक करने का एक मेथड भी है कि आप एक फ्रीज़र के अंदर एक प्लेट रख दें, और जब बिल्कुल यक ठंडी हो जाए तो उसके अंदर आप एक ड्रॉप डालें, जैसे हमने फ्रीज़र में रखी थी, इसके अंदर हम एक ड्रॉप डाल रहे हैं इसका, और ये अगर थोड़ी देर इसको रखें ताकि ये ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद इसको हम यूँ करेंगे, और ये अगर नहीं मूव हो रहा या स्लो मूव हो रहा तो इसका मतलब ये जैम हमारा तैयार हो गया। देखिए जैम हमारा ठंडा होने के बाद बिल्कुल यहाँ से मूव नहीं हो रहा और बहुत स्लो मूव हो रहा है, तो ये हमारा जैम जो है तैयार है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर रहे हैं, चूल्हा हमने बंद कर दिया है, जैम हमारा तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, और इसको हम स्टरलाइज बर्तन में स्टोर करने का तरीका आपको बता रहे हैं, उसको भी आप फॉलो कीजिएगा ताकि आप पूरा साल इसको एंजॉय कर सकें। अब हम आपको बता रहे हैं कि जैम को स्टोर करने के लिए आपको बॉटल्स को स्टरलाइज करना है, और उसका तरीका जो है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसके लिए आप कोई भी आम ग्लास जैम की बॉटल ले लें, जिसमें जैम होता है, या कोई भी ग्लास की बॉटल जिसका लिड अच्छा हो वो ले लें, और उसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। हमने यहाँ पर ये बॉटल ली है जिसको हमने अच्छी तरीके से धो लिया है। अब एक बर्तन के अंदर हमने पानी उबालने के लिए रख दिया है, ये पानी उबल रहा है, इसके अंदर हम इस बॉटल को डालेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर इसका ये लिड जो है ये भी डाल देंगे जो इसका कवर है, और बॉटल के अंदर भी हम पानी डाल लेंगे ताकि बॉटल के अंदर पानी भर जाए और बॉटल जो है अच्छी तरीके से स्टरलाइज हो जाए, और ये कैप को भी हम थोड़ा नीचे कर देंगे। अब इसके अंदर स्टरलाइजेशन के डालने के बाद अब इसके ऊपर आपका हाथ नहीं टच होना चाहिए, इसका आपने खास ख्याल रखना है। और जैसे ही इसके अंदर उबलते हुए पानी हमने इसको डाला, अब इसको फौरन हम निकाल लेंगे। सबसे पहले इसका हम जो कैप है वो निकाल लेंगे बाहर, और सेकंड स्टेप में हम इसकी बॉटल को निकालेंगे, इस पर हमारा हाथ नहीं लगना चाहिए, ये सारा पानी इसके अंदर से हम ड्रॉप कर देंगे। अब ये दोनों चीज़ें हमारी स्टरलाइज हो गई हैं। अब इसको ड्राई करने के लिए जो ये हमारा कैप है इसको हम अंडर द फैन रख देंगे, क्योंकि इसको हमें
बिल्कुल ड्राई करना है तो अंडर द फैन रख दें ताकि जो भी पानी इसके अंदर है वो सारा ड्राई हो जाए और बिल्कुल ये साफ़ हो जाए। और इस बॉटल को जो है हम एक मिनट के अंदर माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे ताकि इसके अंदर का पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए। तो इसको हम माइक्रोवेव में डाल रहे हैं एक मिनट के लिए। के लिए हमने रखा है, एक मिनट हो गया हमारा और ये हम बॉटल को निकाल रहे हैं। ये बिल्कुल ड्राई हो गई है, प्लेट थोड़ी सी गर्म है। पे आप हाथ नहीं लगाइएगा, बस देख लीजिएगा इसके अंदर कोई पानी वानी तो नहीं है। अगर पानी बॉटल के अंदर नज़र आ रहा हो तो उसको आपने पानी से मज़ीद थोड़ी देर के लिए और रख दीजिएगा। ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। इस मेथड को आप किसी भी चटनी या अचार को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉटल को आप स्टरलाइज करें और कोई भी अपनी चटनी या अचार इसमें स्टोर करें, इंशाल्लाह वो ख़राब नहीं होगा। अब इसके अंदर हम हमारा जो बनाया हुआ जैम है उसको थोड़ा हमने ठंडा करने के लिए रख दिया था, वो ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। ये देखें हमारा जैम जो है वो ठंडा कर लिया था हमने इसको, थोड़ा ठंडा हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ लेकिन थोड़ा ठंडा भी हो गया तो हम इसके अंदर इसको डाल सकते हैं। ये बॉटल हमारी गर्म होगी तो इसके लिए आप कोई भी टिश्यू या कोई कपड़ा लेके इसको पकड़ें। ये बॉटल गर्म थी, हम इसके अंदर इसको पोर कर रहे हैं। आप बॉटल ठंडी करके भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसको फ़ौरन डालें। और इसके अंदर हम इसको अब सारे जैम को हमारे इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके अंदर आप जिस चम्मच से इसको पोर करेंगे उस चम्मच को भी गर्म पानी से आपने धो लेना है और उसको किसी कपड़े से या टिश्यू से साफ़ करें और फिर इस्तेमाल करें। ये जैम हमने स्टरलाइज बॉटल में डाल लिया ज़बरदस्त, और इसको हम लेबल कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी जैम। और ये इसका लिड हो गया। Our beautiful strawberry jam is ready to use. अब हम टेस्ट कर रहे हैं हमारा जैम। ये वही बन है जिसकी रेसिपी मैंने बन कबाब में अंदर आपको शेयर की थी। इसी तरीके से आप ये बन बना सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। चेक करते हैं व्यूअर्स, बड़ा ज़बरदस्त जैम बना है। आप इसको बनाएं विद हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू और इन्जॉय करें इसको, पूरा साल इस्तेमाल करें अगले सीज़न तक। अगले सीज़न में फिर बनाइएगा, ये आपके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपको जायके में भी बड़ा मज़ा देगा। इसको आप स्टोर कीजिएगा फ्रिज के अंदर, नॉर्मल फ्रिज के अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। व्यूअर्स मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत अच्छी ज़िंदगी से नवाजे, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। व्यूवर्स अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो भी नई वीडियोस में डालूं वो आप फौरन व्यू कर सकें। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।